माई YouTube चैनल आई एम दारा फ्रॉम लैलाज किचन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है मटन नली निहारी। इससे पहले मैंने आपको चिकन निहारी बनाना सिखाया था, तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन निहारी। तो चलिए इस रेसिपी को देखने के लिए मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखती हूँ। मटन नली निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन नली निहारी बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो ये है। तो निहारी बनाने के लिए जो गोश्त हमें चाहिए वो हमें चाहिए है बोंग का गोश्त और साथ में नलियों का गोश्त चाहिए। तो बोंग का गोश्त आप इस तरह बड़े बड़े पीसेस में लेंगे और जो मैंने नलियां ली हैं उसके ऊपर भी बोंग का गोश्त है, तो इस तरह का हमें गोश्त चाहिए। और यहाँ मैंने गोश्त लिया तकरीबन 1.5 किलो के करीब। दही लेंगे 1 कप, 4 खाने के चम्मच मैदा, निहारी मसाला लेंगे 3 खाने के चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 चाय का चम्मच, नमक लेंगे 1 चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट लेंगे 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 खाने का चम्मच, कुकिंग ऑयल यूज करेंगे 1 कप। सबसे पहले प्रेशर को चूल्हे पर रख देंगे और उसमें हम 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल देंगे और साथ में हम इसमें डाल देंगे गोश्त। अब यहाँ ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन को इसमें भून लेंगे हम अच्छे से ताकि कच्चा पन दूर हो जाए। चार से पांच मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे इसी तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 4 खाने के चम्मच पानी के, ताकि हम जब इसमें मसाले मिक्स करें तो मसाले हमारे नीचे जले नहीं। अब सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे निहारी मसाला, गरम मसाला ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और नमक ऐड करेंगे। अब हम इन मसालों की भुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसमें प्याज या टमाटर ऐसी कोई चीज नहीं जाती, इसमें इतने ही मसाले जाते हैं। भुनाई करेंगे और साथ में हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे दही। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए यूज की जाती है कि निहारी का कलर जो है बहुत जबरदस्त आता है, वरना अगर आपके पास नहीं है तो आप ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाले इसमें। मसाला हमारा गोश्त के साथ अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे पानी ऐड कर दूंगी मैं। इसमें पानी मैंने इतना ऐड किया कि अगर इसमें से कुछ ड्राई भी हो जाता है पकने के बाद तो हमारे पास निहारी की जो ग्रेवी अच्छी सी रह जाए। अब मैं इसे ऊपर से बंद कर दूंगी प्रेशर को। प्रेशर को मैंने बंद कर दिया, ऊपर वेट लगा लेते हैं। अब हम इसे इसी तरह पका लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए।
20 मिनट हो गए हैं प्रेशर को चलते हुए, प्रेशर मैंने बंद कर दिया है और उसकी गैस मैंने निकाल ली है, अब ढक्कन हटा देते हैं। अब सबसे पहला जो हम काम करेंगे, इसकी तरी को हमने ऊपर से इसी तरह निकाल लेना, इसको मिक्स नहीं करना अभी, हमने जैसे इसकी तरी निकाल लेनी। निहारी को मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी बोटियां किस कदर जो है वो गली हुई हैं अच्छे से। ये देखें कितना जबरदस्त गोश्त जो है इसका गल गया। अब जो हमने मैदा लिया था उसमें पानी डाल के मिक्सर से तैयार कर लेंगे उसका, मैदे का मिक्सर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे डालेंगे निहारी में, मिक्सर को हमने निहारी में डालना है। हमने ये ख्याल करना है कि मिक्सर को हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, साथ साथ फेंटते जाना है ताकि कोई लम्स ना बने। साथ साथ फेंटते जाएंगे। निहारी हमारी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे हम 10 मिनट के लिए। निहारी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। अब इसके ऊपर तरी डालेंगे। तरी हमने इसलिए निकाली थी, इसको लास्ट पे इस तरह ऊपर से डालेंगे। अब ऊपर से गार्निश करेंगे इसे अदरक के साथ। हरी मिर्चों के साथ गार्निश करेंगे। एक ही साथ लेमन रख देंगे। ऊपर से डाल देंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला ताकि निहारी का जो टेस्ट है वो दुबला हो जाए। ओके व्यूअर्स, हमारी नली निहारी बनके रेडी हो गई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।